কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলার শুনানি শুরু করেছে খোদ সুপ্রিম কোর্ট। 9 সেপ্টেম্বরের জন্য সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা কারণ তালিকা অনুসারে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রের একটি বেঞ্চ মামলার শুনানি করবে। উত্তরবঙ্গে ক্ষোভের কারণে জনগণের বিক্ষোভ থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তাই আরজি ট্যাক্স নিয়ে কি বললেন সমাজবাদী পার্টির সেক্রেটারি মোহাম্মদ হাবিবকে কি বলছেন তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। क्या जो हो रहा है देश में पूरे जो जिस प्रकार से यहाँ पर एक राजनीतिक तूफान आया हुआ है एक लड़की की हत्या को लेके, तो इस पर आप लोग का क्या राय रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों की तरफ से राय यही है कि जो हुआ वो बहुत ही विभत्स घटना है। ऐसी घटना देश को, राज्य को, समाज को शर्मसार कर देती है, क्योंकि ये बच्चियों के इज्जत का मामला है। और जिस जगह पे हुआ, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चलती हों, उसका मामला है। और जिस माँ बाप का एक ही चिराग था, वो बुझ गया हो, इस घटना पे दुख प्रकट करने के अलावा, उनके बगल खड़ा रहने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनको ऐसे दुख की घड़ी में उनको सहनशीलता अता करे, फरमाए कि हाँ भाई, हम इस दुख को सहने की उनको ताकत दे। और उनके दुख को कोई बांट नहीं सकता है, क्योंकि जिस घर का फूल जैसी बच्ची, जिसके साथ ऐसी घटना घटी, माँ बाप उसको इस जगह तक लाने के लिए क्या परिश्रम किए होंगे, वो एक माँ बाप ही जान सकता है, जिनके अपनी औलाद हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा करके वहाँ तक पहुँचाए हैं, उसका दर्द उन्हीं को मालूम हो सकता है। और इसकी मैंने पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए, और समाज को भी जागरूक होना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और हम अवेयरनेस भी होना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, और हमारी विचारधारा या हमारी सोच या हम जिस आधुनिक समाज में जी रहे हैं, ऐसी घटना किसी हालत में जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी सब ऐसा लग रहा है कि आरजी कर की घटना के बाद से लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा जा रहा है, वो मैदान में उतर गई हैं। देखिए, तो राजनीतिक दल ठीक है, अब जो राजनीति करते हैं वो ये मुद्दा, ऐसा ही ये मुद्दा है कि सभी जनता के हित पे काम करना चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां। तो अब ये जो हुआ है, इस पे सभी राजनीतिक दलों को बोलने का, कहने का, आंदोलन करने का मौका है, करना भी चाहिए। लेकिन मन में रहे ये भाव, सबके मन में रहना चाहिए कि राजनीति कम, बल्कि सभी राजनीतिक दल समाज में दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लिए सबको अवेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि और कोई बेटियां इस जुर्म का शिकार ना हो।